नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। पिछले दिन मैंने काफ़ी काफ़ी दिन पीछे मैंने एक वीडियो डाला था पीसीडी के रिलेटेड, जो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया। तो हमने उस वीडियो में सीखा था कि पीसीडी कैसे लगाते हैं मिलिंग मशीन डीआरओ पर, ठीक है। आज जो टॉपिक है वो भी पीसीडी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें सीडी का है, ठीक है। सीडी में कैसे, अगर आपको कोई जॉब ला के दे और बोले कि मुझे सीडी के अंदर में 50x50 या 40x40 या 30x30 हमें सीडी के अंदर में ड्रिल चाहिए, तो आप कैसे लगाएंगे? तो ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए सीडी क्या है इसे समझ लेते हैं, और पीसीडी क्या है ये आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। आइए समझते हैं कि सीडी क्या है। तो हम आ चुके हैं अपने नोटबुक के ऊपर, और आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वीडियो था अपना पीसीडी के ऊपर था, ठीक है। ये आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा कि पीसीडी कैसे लगाते हैं, ऐसा ही था ना, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सीडी के ऊपर, ठीक है। सीडी, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। सीडी के ऊपर, ठीक है, यानी कि सेंटर डाया के ऊपर अगर आपको पीस दिया जाए राउंड, चाहे आपका जितना का भी हो, एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपको बता के चल रहा हूँ, और इसके अंदर आपको 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ऐसे चार जगह लगाना है। और ये चारों का मैं आपको बता दूँ कि साइज़ जो रहेगा ना वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम्पल स्वरूप अगर 40 का है तो ये भी 40 और ये भी 40 और ये भी 40, मतलब चाहे हम जिधर से चेक करें ये 40 ही आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सीडी में है, ठीक है, सेंटर डाय के अंदर में। जो भी होल होगा, ये होल आप चाहे 10 का रखें, 12 का रखें, 15 का रखें, ये इशू नहीं है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, बट ये जो डिस्टेंस है सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये 40 40 40 और 40, तो ये सीडी हम लगाएंगे कैसे, आइए इसे चलते हैं मिलिंग मशीन के ऊपर लगा लेते हैं। जैसा कि अब हम आ चुके हैं मिलिंग मशीन पे, और आप देखेंगे मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, और इस टुकड़े के ऊपर मैं आपको इस फेस के ऊपर सीडी लगा के दिखाऊंगा चार जगह, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आपको करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे होता है। तो आइए इसे पहले हम बांध लेते हैं मिलिंग मशीन में। ये अच्छे से हमने वाइस पे इसे टाइट कर लिया, और अब जो ये आप ड्रिल देख रहे हैं ना, ये चारों साइड से आपको सेंटर करना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सेंटर कैसे करते हैं, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल विजिट करें और जाके देखें, और अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी लगा दूंगा। तो इससे पहले हमें सेंटर करना होगा, तो आइए फटाफट सेंटर करते हैं। तो जैसा कि अब मैंने यहाँ पे आप देखेंगे डीआरओ के ऊपर, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने सेंटर कर लिया है और ये बिल्कुल 0-0 कर लिया है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये जो ड्रिल है हमारा, ये बिल्कुल हमारे ये सेंटर में आ रही है, ठीक है। मैं आपको हल्का सा लगा के दिखाता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर के ऊपर आ रही है। अब हमें जो मैंने आपको ड्राइंग पे स्केच किया था वो किया था 40x40 का, तो हमें जैसे कि यहाँ 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 और यहाँ, यानी कि चार जगह हमें 40 40 40 और 40, यानी कि चारों तरफ 40x40 आना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम कैसे करेंगे, अब यहाँ से अब आपको क्या क्या करना है कि जब हमने सेंटर कर लिया ना, तो सेंटर से, ठीक है, आप सीधा 20 मिलीमीटर, यानी कि जैसे कि ये जितना का भी ड्रिल हो उसका मतलब नहीं है, जैसे आपने इसे सेंटर कर लिया ना तो ये बिल्कुल आधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 20 मिलीमीटर आप इधर आइए, 20 मिलीमीटर इधर आइए, और 20 मिलीमीटर ही आपको इधर चल के आना है, वो भी डीआरओ के ऊपर। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहला, जैसे कि अब आप देखिए कि ये ऊपर वाला जो हमारा एक्स है, एक्स को हमें 20 मिलीमीटर चला के आगे लेकर आना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 20 मिलीमीटर ले आया, ये 20 मिलीमीटर आ गई, ठीक है। और फिर जैसे कि ये देखें आप, 20 मिलीमीटर यहाँ पे आ चुकी, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप जो नीचे वाला जो वाई वाला है, वाई को भी आप 20 मिलीमीटर घसकाएंगे, ये भी 20 मिलीमीटर घसक गया ना। अब आप देखें कि हमारा ये ड्रिल किस पॉइंट पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर एक पहले मैं हल्का सा निशान लगा के आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर के तरीके से यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब जो तो जैसा कि अब मैंने यहाँ पे सेंटर लगा दिया ना, तो जैसे कि आप देखेंगे 20 मिलीमीटर मैं इधर चला और 20 मिलीमीटर इधर चला, ठीक है। तो ये लगभग एक साइड का आधा सेंटर और इस साइड का आधा सेंटर, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। लेकिन अब हमें जो इसके सामने का जो होल करना होगा, तो क्या ये 20 मिलीमीटर नहीं, 20 और 20 40 मिलीमीटर चल के आएंगे तो यहाँ का हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो आइए इसे हम बढ़ाकर देखते हैं DRO के ऊपर। अब ये हम यहाँ से माइनस करके ले आएंगे जहाँ जीरो होगा, और जीरो के बाद फिर माइनस में हमें 20 मिलीमीटर माइनस जाएंगे तो हमारा ये पूरा 40 का हो जाएगा। तो अब हमने इसे घसका लिया है इधर, और यहाँ पर हम लगा के देखते हैं कि क्या ये हमारा उतना ही आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ही चेक करेंगे। ये मैंने लगा दिया, और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना, इसका सेंटर और इसका सेंटर, बिल्कुल ही आपका 40 आएगा। आइए इसे हम वर्नियर से चेक करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्नियर से मुझे चेक करना है, तो ये जो मैंने दो चेक किया, सॉरी दो जो ड्रिल लगाया, इसे हम चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, ये जब हम ड्रिल लगाएंगे ना तो वो उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं सेंटर से टू सेंटर चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर ये देखिए, सेंटर टू सेंटर बिल्कुल ही यहाँ पर परफेक्ट 40 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या ये इधर वाला और इधर वाला जब हम चारों तरफ से मार देंगे तो सेम आएगा। उसके लिए हम फटाफट इसे लगाते हैं और फिर चेक करके दिखाते हैं। और ये आप देखें, ये हमारा हो गया तीसरा। अब नंबर आता है चौथे का, और फाइनली ये हमने चौथा भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए इसे हम चेक करते हैं। अब जो आप देखेंगे कि मैंने चारों यहाँ कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो सेंटर टू सेंटर आएगा वो बिल्कुल आएगा 40 का। यहाँ से सेंटर टू सेंटर 40, यहाँ से सेंटर टू सेंटर 40, और यहाँ से यहाँ भी सेंटर टू सेंटर 40 ही आएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है, स्केच पे जैसा दिखाया था बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे अप्लाई। तो ये हो गया आपका CD में ड्रिल लगाने का, ठीक है। ये CD में ड्रिल, चाहे आप यहाँ पे जितना बड़ा ड्रिल लगाएंगे उस हिसाब से आप अपना देख लेंगे। ड्रिल लगाने के बाद जब इसके अपोजिट और इसके अपोजिट वाले में जब चेक करेंगे तो आपका बिल्कुल ही सेंटर उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा CD के अंदर में ड्रिल लगाने का प्रोसेस। तो जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल ही आसान है CD में PCD में ड्रिल लगाना। तो दोनों वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो चुकी है, और आराम से आप देखें और सीखें और अपना काम को आसान बनाएं। और अगर आपका काम कहीं ना कहीं आसान होता है तो प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत से तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।